तो चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बताया, रशियन मिसाइल्स को डिप्लॉय कर दिया गया है जापान के द्वारा, जो आइलैंड क्लेम किया जाता है कुरिल चेन ऑफ आइलैंड्स। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, मैं फिर से मैप आपको दिखा रहा हूं, ये आपका पूरा जापान। यहां पर चार मेन आइलैंड्स है जापान के, होकाइडो, होनशू, शिकोकू और क्यूशू। तो जो नॉर्दर्न मोस्ट वाला पार्ट है होकाइडो, उसी के जस्ट ऊपर से ये जो आइलैंड्स आप देख रहे हो ना यहां पर, वैसे अगर आप देखोगे जो पूरा कुरिल आइलैंड्स है, ये अगर आप देखिए तो रशिया के अंडर में है। लेकिन यहां पर जापान का कहना है कि ये वाला जो चार आइलैंड्स यहां पर है वो हमारे अंडर में होना चाहिए, उसको जापान क्लेम करता है। अगेन इस मैप में आप देख सकते हो, ये सी ऑफ ओखोत्स है और यहां पर नॉर्थ पैसिफिक ओशन आपको दिख रहा होगा। और ये जो आप रेड कलर में यहां पर देखोगे ना कुरिल आइलैंड्स का, कुरिल आइलैंड्स तो वैसे पूरा हो गया ये, लेकिन ये जो ये वाला जो पार्ट है पूरा आपका, चार आइलैंड्स हैं यहां पर। मैं अगेन इसके नाम आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप नाम देख सकते हो, इटुरुप, कुनाशिर और ये शिकोतन और होम्बामाई। तो ये चार आइलैंड्स क्लेम किया जाता है जापान के द्वारा। जापान कहता है कि ये चार आइलैंड्स हमारे अंडर होना चाहिए। तो बेसिकली यहां पर ये बताया जा रहा है कि वीडियो रिलीज किया गया है रशिया के द्वारा, उसके अंदर उन्होंने दिखाया कि जो बेस्टियन कोस्टल डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो एक आइलैंड पर डिप्लॉय किया गया। और कौन सा आइलैंड है, देखिए यहां पर ये जो पूरा चेन ऑफ आइलैंड्स आप देख रहे हो कुरिल आइलैंड्स का, यहां पर मिडिल ऑफ आइलैंड में देखिए ये एक और आइलैंड है जिसको कहा जाता है मतुआ आइलैंड। तो मतुआ आइलैंड अगर आप देखोगे तो ये ओवल शेप का बना हुआ है, 11 किलोमीटर लंबा है। पहले भी यहां पर 1991 से पहले भी यहां पर एक मिलिट्री बेस हुआ करता था रशिया का, लेकिन आपको पता है डिसइंटीग्रेशन हो गया सोवियत यूनियन का और उसके बाद उनको पैसे की प्रॉब्लम हो गई, इसकी वजह से वहां से वो जो बेस है उसको हटा दिया गया था। लेकिन अब वापस से यहां पर काफी कुछ डिप्लॉय किया गया है। इनफैक्ट बताया जा रहा है कि जो मिसाइल्स तैनात किए गए हैं इस पर्टिकुलर मतुआ आइलैंड पर वो 500 किलोमीटर की रेंज को कवर कर सकता है। मतलब कोई भी अगर शिप वगैरह आता है तो 500 किलोमीटर तक उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि सिर्फ यहां पर मिसाइल्स को डिप्लॉय नहीं किया गया है, वहां पर रहने के लिए जो क्वार्टर्स होते हैं मिलिट्री पर्सनल वगैरह के लिए वो सारी चीजें भी लगाई गई हैं। इसके अलावा जो व्हीकल हैंगर्स होता है उसको भी ट्रांसपोर्ट किया गया है। तो बेसिकली एक प्रकार से मतुआ आइलैंड जो है यहां पर कई सारी चीजें की गई है। ये इनहैबिटेड आइलैंड है, बेसिकली वॉल्केनिक आइलैंड आप कह सकते हो यहां पर। तो ये सारी चीजें बेसिकली करने का तात्पर्य क्या है, प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से किया गया है, उसको जाने से पहले थोड़ा सा जो कुरिल आइलैंड का डिस्प्यूट है वो भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए कुरिल आइलैंड का डिस्प्यूट रशिया और जापान के बीच में बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। इनफैक्ट मैं आपको ले जाना चाहता हूं करीब 1855 आप कह सकते हो, यहां पर एक ट्रीटी हुआ था जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ शिमोडा। ट्रीटी ऑफ शिमोडा के अकॉर्डिंगली रशिया ने क्या किया था कि ये जो चार आइलैंड्स हैं, मतलब कि ये जो नीचे के चार आइलैंड्स हैं, इसका हक दे दिया था जापान को और बाकी के ऊपर के जितने आइलैंड्स हैं ये हक चला गया था आपका रशिया के पास। इस तरह का कुछ ट्रीटी हुआ था। लेकिन उसके बाद आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर वन हुआ, वर्ल्ड वॉर टू हुआ। तो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान आपको याद होगा जापान जो है वो हार गया था, तो यहां पर जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया गया। उसके बाद क्या होता है, सोवियत यूनियन का किसी प्रकार का समझौता हो जाता है यूएस के साथ और इसमें यहां पर फाइनली ये बताया जाता है कि जापान का जो हक था इस चार आइलैंड पर उसको यहां पर जापान को हटा दिया गया और जापान के लोग थे यहां पर उनको भी जापान ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और उनको रिप्लेस कर दिया जाता है रशिया के लोगों के बिहाफ में। तो यहां पर रशिया के जो इनहैबिटेंट्स हैं वो एक प्रकार से इधर आ जाते हैं और जापान के लोगों को हटा दिया जाता है। वैसे अगर आप देखोगे ना तो वहां पर जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट हैं उनका नाम है आइनू पीपल, AINU, इनको इजो भी कहा जाता है। ये इंडिजिनियस पीपल बताए जाते हैं जापान और रशिया के। लेकिन जो जापान के लोग थे यहां पर, जो आइनू पीपल थे, उनको बेसिकली वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जो है उसके बाद जो है वो जापान के नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड पर भेज दिया जाता है, होकाइडो आइलैंड पर। लेकिन आज भी वो जो लोग हैं, जो उनके वो डिसेंडेंट्स हैं, उनका कहना है कि नहीं, ये वाला जो पूरा आइलैंड है वो हमारा होगा। और एक प्रकार से इमोशनल इशू आप कह सकते हो जापान के लिए कि एटलीस्ट ये जो चार आइलैंड हैं वो हमारे अंडर में होने चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि 1945 में वर्ल्ड वॉर टू के दौरान यहां पर क्योंकि जापान हार जाता है तो जापान के लोगों को वहां से हटाया जाता है। लेकिन जापान आखिरकार तक इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, मतलब सोवियत यूनियन जो सॉवरेनिटी क्लेम करता है उस पर्टिकुलर आइलैंड पर, इसको जापान रिकॉग्नाइज नहीं करता और इसी की वजह से आज के डेट में भी किसी प्रकार का पीस ट्रीटी साइन नहीं किया गया। बहुत सारे एग्रीमेंट तो हुए हैं लेकिन जो पीस ट्रीटी साइन करना होता है जापान और रशिया के द्वारा वो अभी तक नहीं हो पाया है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इसका महत्व क्या है, कुछ इंपॉर्टेंस होगा तभी लेकर इतना बड़ा डिस्प्यूट है दोनों देश के बीच में। देखिए बहुत सारे फायदे हैं जिसके भी अंडर में ये आइलैंड होगा, जैसे कि काफी बड़ा रिच
फिशिंग ग्राउंड बताया जाता है, बहुत सारे जो मछलियां हैं वो एक रेवेन्यू का सोर्स हो सकता है। इसके अलावा ऑफशोर रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड गैस, आज के डेट में आपको पता ही है पूरे विश्व में क्या चल रहा है ऑयल एंड गैस को लेकर, तो बहुत बड़ा रिजर्व्स है वहां पर, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा कई इंडस्ट्रियल पर्पसेस में यहाँ पर जो रेनियम के रेनियम है उसका जो प्रयोग किया जाता है उसके डिपॉजिट्स भी वहां पर पाए जाते हैं, बहुत ही रेयर होता है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। टूरिज्म का एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है ये पूरा आइलैंड, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा रशिया के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं तो अगेन रशिया के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर अगर आप रशिया का देखोगे ना, ये है व्लादिवोस्तोक, आपको पता होगा ये वाला एरिया है, तो ये जो पूरा एरिया अगर आप देखोगे तो विंटर में फ्रीज हो जाता है जिसकी वजह से रशिया पैसिफिक ओशन में एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहां पर रशिया के पास एक आखिरी रास्ता बचता है, वो है यहां पर ये जो कुरिल आइलैंड्स आप देख रहे हो ना, तो रशिया चाहता है कि उसके पास ये वाले जो आइलैंड्स हैं उसके अंडर में रहें, ताकि पैसिफिक ओशन में अगर उसको एक्सेस करना है तो इन आइलैंड्स की मदद से वो आराम से कर सकेगा, क्योंकि विंटर के समय ये वाले रास्ते पूरे क्लोज हो जाते हैं, उनको जो अटलांटिक ओशन है उधर से ही एक्सेस मिल पाता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ रही होगी कि रशिया के लिए ये आइलैंड्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन अब यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये सारी चीजें अब क्यों हो रही हैं, मतलब अभी ऐसा क्या हुआ है, रशिया ने ये चाल क्यों चली है, बेसिकली ये जो आइलैंड्स पर मैंने आपको बताया मटुआ आइलैंड पर ये मिसाइल क्यों डिप्लॉय किया गया है, मतलब कुछ ना कुछ संकेत दिया जा रहा होगा, राइट। देखो वैसे अगर आप देखोगे तो रशिया ने इसको लेकर कोई बहुत बड़ा बयान नहीं दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स के बयान अगर आप देखोगे उनका ये कहना है कि रशिया अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहता है। आप रिसेंटली देख रहे होंगे यहां पर इंडो पैसिफिक की काफी चर्चा हो रही है, यूएस और चाइना के बीच में जो राइवलरी है वो आपको देखने को मिलेगी, तो रशिया को लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो पीछे हटता जा रहा है, तो वो अपने प्रेजेंस को दिखाना चाहता है, इसी की वजह से कहीं ना कहीं वो जो मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट हो गई। वैसे ऐसा तो है नहीं कि कोई जापान अपनी शिप्स को यहां पर भेज देगा और रशिया मिसाइल्स को फायर कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ऐसा कोई सिनेरियो अभी के लिए बन नहीं रहा है, लेकिन यहां पर एक संकेत देने की कोशिश है रशिया के द्वारा कि देखो पैसिफिक रीजन में अभी भी हमारा प्रेजेंस है, ये फ्री रहना चाहिए, यहां पर यूएस का दखलदाजी कम होना चाहिए, इस तरह के बेसिकली संकेत दिए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर रशिया का ऑफिशियल बयान अगर आप देखोगे तो उनका यही कहना है कि देखिए ये जो आइलैंड है ये हमारी सॉवरेन टेरिटरी है, हम जब चाहे यहां पर आ सकते हैं, जब चाहे यहां से जा सकते हैं, और जहां तक जापान के साथ डिस्प्यूट का सवाल है वो हम आपस में मिलजुल कर सुलझाने की कोशिश करेंगे, ऐसा अभी के लिए रशिया के द्वारा बताया जा रहा है। वैसे अगर आप देखोगे तो इस समय ऑलरेडी रशिया और यूक्रेन के बीच में प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि रशिया कभी भी यूक्रेन के अंदर इन्वेजन कर सकता है, रशिया ने इस चीज को डिनाई किया है। लेकिन इसके अलावा अगर ये आइलैंड्स पे आप देखो 2016 में भी यहां पर जो आखिरी के चार आइलैंड्स थे वहां पर कुछ मिसाइल डिफेंस सिस्टम वगैरह भी लगाया गया था 2016 में, किसी प्रकार का जो एयरबेस है उसको भी सेट करने की कोशिश की गई थी इन आइलैंड्स के ऊपर, तो ये पूरा सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से एटलीस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरा मामला चल क्या रहा है।